बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। अभी हम लोग मौजूद हैं ऑटो एक्सपो 2023 जो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में लगा है। आपको बता दें कि 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक इसका ऑर्गेनाइज है, पूरा आयोजन है, और आज जो है वो तीसरा दिन है इस आयोजन का। तो आज बीते दो दिन जो था वो एग्जीबिटर्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा, और हमने उनसे बात की कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आज का जो दिन है, तीसरा दिन यानी ये मिडिल पार्ट है इस पूरे आयोजन का, तो आज का ये समय है जब हम विजिटर्स से बात कर रहे हैं या आने वाले लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हमारे साथ मिस्टर शिशुपाल हैं। शिशुपाल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने भी घूमा है इस पूरे ऑटो एक्सपो, कैसा एक्सपीरियंस है? क्या जो कंपनी आई है, कितने संतुष्ट हैं? सर, हमारा बीम नहीं आया है, हमारा किया है और उससे लेकर हमारा BMW नहीं आया, जिसमें थोड़ा मिसिंग है। टोयोटा और टोयोटा वगैरह की कई सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि टाटा ने कई सारी बड़ी गाड़ियों को यहाँ लॉन्च किया है, तो उसको देख के कैसा, मतलब क्या? हाँ, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारा BMW तो BMW है, बेस्ट है उसके। तो कहीं ना कहीं BMW की कमी जो है वो खल रही है। तो ये एक मिला जुला प्रतिक्रिया है लोगों का कि BMW, जैगवार और इस तरीके की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, और इस बार महिंद्रा भी नहीं आई है, तो उसकी भी कमी कुछ खली है या वो उसकी भरपाई हो गई है? भरपाई हमारा मारुति सुजुकी वालों ने कर दिया है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आई हैं इस बार। बेसिकली महिंद्रा बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन उसका आया नहीं तो उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये है जो कंपनियाँ नहीं आई है वो लेके थोड़ा लोगों में असंतोष है। बहरहाल प्रतिक्रिया मिला जुला रहा है, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं किया और अलग अलग टोयोटा वगैरह की जो गाड़ी यहाँ जो प्रेजेंट है या जिसको लॉन्च किया गया है, और कुछ गाड़ियों को लेकर लोगों के मन में थी उम्मीदें कि वो आएगी, लेकिन वो कंपनियाँ नहीं आई है। अब देख रहे हैं 10 न्यूज़। कैमरा सहयोगी विनय के साथ रंजन अभिषेक, ग्रेटर नोएडा।